नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो हेम पुष्पा सिरप के ऊपर है, जो कि महिलाओं की विशेष टॉनिक है। सन 1868 से राज्य वैद्य शीतल प्रसाद एंड संस, आप रेडियो पर, आकाशवाणी पर कई बार समाचारों के पहले ये सुनते होंगे कि हेम पुष्पा सिरप के जो है वो बड़े ही गुण हैं, जैसे स्त्रियों में जैसे कमर दर्द हो, खून की कमी हो, भूख न लगना हो, जो कि इसमें सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं, थकावट हो, बेचैनी हो, हथेली व तलवों में जलन हो, इन सब स्थितियों से राहत दिलाता है हेम पुष्पा सिरप। और इसकी जो खुराक है वो 7 ml सवेरे और 7 ml शाम को पानी के साथ लेने का होता है। इसके अंदर जो है वो इस तरह का, देखिए, 24 गोलियों का एक टेबलेट भी आता है। देखिए, हेम टेप बोलते हैं इसको, जो खून की कमी हो जाती है उसको ये गोली जो है वो दूर करती है। एक गोली आप रोज लेंगे और इस सिरप का जो है वो, यानी हेम पुष्पा सिरप का सेवन करेंगी तो बहुत ही फायदेमंद होगा। अब देखिए, हेम पुष्पा सिरप विशेष रूप से स्त्रियों के लिए ही बनाई गई है, ये पुरुषों के लिए नहीं है। जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं महिलाओं में, विशेषकर मासिक धर्म संबंधी जो समस्या होती है, जिसमें पेट दर्द होता है और ब्लीडिंग की समस्या होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है, यानी दर्द बिल्कुल असहनीय हो जाता है, उन स्थितियों से राहत दिलाती है ये हेम पुष्पा सिरप। तो हेम पुष्पा सिरप जो है इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है हेम पुष्पा, और जहाँ तक MRP की बात है तो 270 रुपये की ये सिरप है। आज की तारीख में आप देख सकते हैं यहाँ पर 270 रुपये ये दिखाई दे रहा है। और इसको लेने से पहले एक बार शेक वेल बिफोर यूज़, यानी जब भी आप इसका सेवन करें, देखिए ये सिरप है, इस सिरप को आप पहले ऐसे थोड़ा सा शेक कर लेंगे, उसके बाद जो है वो 7 ml ये मापन दिया गया है, इससे 7 ml जो है आप लेंगे। तो 7 ml सवेरे और 7 ml शाम महिलाएं इसका यदि सेवन करेंगी तो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये हेम पुष्पा सिरप के बारे में मोटी मोटी जानकारी हुई। इसके अंतर्गत अब हम बताना और चाहेंगे कि इसमें जो आयुर्वेदिक तत्व मिले होते हैं उनके किस तरह से गुण हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आयुर्वेदिक तत्व मिला होता है वो लोधरा होता है। लोधरा का क्या रहता है कि लोधरा में जैसे गर्भाशय में जब अधिक खून निकलता है तो उस स्थिति में ये हेम पुष्पा सिरप जो है, इसमें लोधरा जो तत्व मिला रहता है वो सहायक होता है उसको दूर करने में, उसको कम करने में, उसको मेंटेन करने में। अच्छा, सफ़ेद पानी वगैरह जिसको बोलते हैं, श्वेत वाटर जब है, श्वेत पानी निकलता है महिलाओं के इसमें से, तो इसमें भी ये सहायक होता है। अच्छा, देखिए, फोड़ा फुंसी इन्फेक्शन वाली स्थिति होती है उसमें भी लोधरा जो तत्व है उसके कारण ये हेम पुष्पा जो है वो काफ़ी लाभदायक होती है। देखिए, इसके अंतर्गत एक होता है गोखरू। अब गोखरू जो इसके अंदर में होता है वो वात पित्त वाली स्थिति जो होती है उसको कंट्रोल करता है, सूजन दर्द की यदि कोई समस्या है तो उसको कंट्रोल करता है, और ब्लड शुगर का लेवल यदि बढ़ता है तो महिलाओं में उस ये गोखरू के कारण कंट्रोल होता है। देखिए, ब्राह्मी भी होता है इसमें। ब्राह्मी का जो मेन रोल है वो चिंता, अवसाद और मानसिक बेचैनी की स्थिति जो होती है उसको कंट्रोल होता है ब्राह्मी के कारण। अच्छा, गर्भावस्था के दौरान इस सिरप का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर सही नहीं रहता है। ये विशेष सलाह डॉक्टर की यहाँ पर लेना चाहिए और डॉक्टर जो बताए वो करना चाहिए। देखिए, इसमें एक तत्व होता है मंजीत, वो स्किन डिसीज़ जो होती है, चमड़ी पर जो भी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह, उसको ये दूर करता है मंजीत। इसके अंदर ही होता है, हेम पुष्पा के अंदर जो कुछ आयुर्वेदिक तत्व हैं उनके बारे में ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सौंदर्य भी निखरता है मंजीत के कारण, और ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होता है, रक्त शोधक का काम भी हेम पुष्पा करती है, मंजीत नामक जो तत्व है, आयुर्वेदिक औषधि है इसके अंदर उसके कारण। अच्छा, कृमि नाशक है ये, पेट में कीड़े वगैरह होते हैं तो इसी तत्व के कारण ख़त्म होते हैं। अच्छा, इसमें एक और होता है नागरमोथा, अपच को कम करता है, ख़त्म करता है, जो डाइजेशन की समस्या रहती है वो नागरमोथा जो है वो दूर कर देता है। अच्छा, शक्ति वर्धक है नागरमोथा,
और मोटापा जब बढ़ता है तो उसको वो कंट्रोल करता है। इसके बाद गोरख मुंडी आता है इसमें, इसी में आयुर्वेदिक औषधि है गोरख मुंडी, जो हृदय को यानी दिल को स्वस्थ रखने का काम करता है। ये खांसी में भी काफ़ी सहायक होता है गोरख मुंडी, और मीठी आवाज़ के लिए जाना जाता है ये तत्व, यानी इस तत्व के कारण जो आवाज़ है वो अच्छी मीठी हो जाती है। आँखों की यदि कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन की आशंका है तो गोरख मुंडी तत्व के कारण और बालों में भी मजबूती मिलती है। इसके बाद इसमें एक तत्व होता है अनंत मूल, इसमें पाचन क्षमता सुधार होता है अनंत मूल के कारण। ये एक बेल होता है जो सारे भारत में पाया जाता है, त्वचा रोग और तनाव में उपयोगी होता है। अनंत मूल के कारण तनाव और त्वचा वाले जो रोग होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। उसके बाद एक इसमें बेला आता है, बेला तो वही की सर्दी जुकाम की स्थिति जो होती है उस स्थिति में बेला के कारण बहुत फ़ायदेमंद होता है हेम पुष्पा सिरप का सेवन। अब इसके बाद और हम समझ लें तो बहुत से इसमें ऐसे तत्व हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई है कि इसके महत्व को ये काफ़ी रेखांकित करती है और कई गुना बढ़ा देती है। तो इस तरह से हेम पुष्पा सिरप का सेवन यदि आप करते हैं तो महिलाएं करती हैं तो उस स्थिति में काफ़ी लाभदायक होता है, और डॉक्टर की पसंद यदि आप से हेम पुष्पा सिरप का सेवन करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। वैसे तो मेडिकल स्टोर पर ये मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी सलाह ये होगी कि डॉक्टर की बिना परमिशन के इसका आप सेवन न करें। आप देखिए ये पूरे माह पूरे समय एक्टिव रखने वाली महिलाओं की विशेष टॉनिक है हेम पुष्पा, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, पर चंद जानकारी ऐसी थी जो इसके अंदर तत्व थे और उनको अलग अलग बताने का मेरा प्रयास था कि ये आयुर्वेदिक औषधि कितनी गुणकारी है हमारे लिए। तो ये हेम पुष्पा सिरप के ऊपर वीडियो था, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।